स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल रिपोर्ट में अपने आज के मुद्दे पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से, पंचायती चुनाव में गोलियां चलने का मामला सामने आया है। पलवल से दो पक्षों में फायरिंग भी हुई है। पलवल के गांव बहरौला का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि गोलियां चलने की बात निकल कर आ रही है, पर पहुंच चुकी है। हिंसा के चलते मतदान भी बाधित हुआ है, मतदान को रोक दिया गया है। पंचायत चुनाव में पलवल से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको पलवल से दिखा रहा है कि वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि यहां पर पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा है, लेकिन यहां पर गोलियां चलती हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है स्थिति को यहां पर काबू में करने के लिए, लेकिन अफरा तफरी किस तरीके से, लोग किस तरीके से दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख सकते हैं, जहां पर पलवल में आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में गोलियां चलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप जरूर मचता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, आखिर अगर बात हम पलवल की करें, यहाँ पर फायरिंग होती है, गोलियां सरेआम चलती है, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं की गई चुनावों को लेकर, ये क्यों लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं? विवेक, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के कोई सख्त इंतजाम नहीं थे, जिस कारण से ये घटना हुई है, और अब भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। हाँ, भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा है। अब के हालात क्या है, स्थिति इस वक्त कैसी है? अभी जो इनके जो है पुलिस भारी मात्रा में पहुंचे, पुलिस ने अभी आकर दोबारा से लगभग पोलिंग रुकी रही थी और दोबारा पोलिंग को चालू कराया। जी, क्या पुलिस का कहना है, क्या स्थिति को काबू में कर लिया गया है? लोग वहां पे किस तरीके से अफरा तफरी है और वहां पे भाग रहे हैं, और मतदान भी यहां पे रोक दिया गया है कुछ देर के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने सभी को बाहर निकाल करके, जिनके पास कोई वेरिफिकेशन है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसी कोई चीज है, उसी को वोट डालने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। बाहर से इस स्कूल का गेट बंद कर रखा है। जी, लेकिन पुलिस अधिकारियों से क्या आपकी कोई बात हुई है? उनका क्या कहना है, ये सब क्यों किया गया, आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? जी, मैंने अभी जो डीएसपी भगत राम से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि शांति, मतदान बिल्कुल शांतिप्रिय चलेगा, और जो 4 बजे से पहले ऐसे ग्राउंड के अंदर आ जाएगा उसका मतदान कराया जाएगा, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया। तो सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिन लोगों ने यहाँ पर गोलियां चलाई हैं, फायरिंग जिन लोगों ने यहाँ पर की है, पुलिस का ये कहना है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पहले से क्यों व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई, क्यों लगातार जब आज पहले चरण का मतदान हो रहा है तब ऐसी मामले, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही, जो साफ ये दिखा रहे कि व्यवस्था में जरूर यहाँ पर कमी देखने को मिली है। स्पेशल रिपोर्ट में अब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, बात आज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की करेंगे, जहां इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से बस खिलवाड़ किया जाता है। व्यवस्था के नाम पर विश्वासघात, आज हरियाणा न्यूज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा है जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई बयां कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री महोदय औचक निरीक्षण के दावों से निकलकर जरा प्रदेश की जनता की हालत देखिए, बीमार अस्पताल की व्यवस्था देखिए। पहले तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, और अगर इलाज मिल भी जाए तो फिर गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। पिछले 24 घंटों में आई खबरों ने एक बार फिर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच सामने ला दिया। कुरुक्षेत्र में लिंग जांच के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ।
अल्ट्रासाउंड की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। तो फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जहां नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला की हालत खराब हो गई और जांच के नाम पर डॉक्टरों ने बेरुखी दिखाई। तो करनाल में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। 4,000 रुपए में यहां अल्ट्रासाउंड किया जाता था। फरीदाबाद में तो थर्ड क्लास अस्पताल का फोर्थ क्लास डॉक्टर का कारनामा सामने आया, जहां सिविल अस्पताल में चपरासी इलाज करता था और पूछने पर दबंगई दिखाई जाती है। ऑपरेशन तो मेरे को होता बिल्कुल जब ही हो ऑपरेशन करा तो नशा तो हो रही हूँ, तो मैंने एकदम लुटाए दे ले जाकर ने, मैं बोल रही डॉक्टर साहब जल्दी मेरे गलों घिर जा रहा हूँ, गैस इतनी बन के बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले रहा, दिक्कत आ रही जा, मेरे डॉक्टर मेरे को दवाई दे दो कोई, जाते में सांस आया दवाई दे देंगे बाद में दे देंगे, पर फिलहाल तो लौट रहे हो। डॉक्टर ने बताई हाँ इससे गए पानी सो हल है, ये गैस होनी पड़ी है, पानी पूरे हाथ है आते फसलिन तक। हमारे संज्ञान में ये विषय आपके माध्यम से भी आया, वैसे भी आया है, जो ठस्का मिरर से ये में पंजाब से कुछ लोग आकर इस प्रकार की मोबाइल वैन लेकर या उस प्रकार की भ्रूण चेकिंग की बात कर रहे थे, तो उसको पकड़ने का हमारी पुलिस ने काम किया, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने काम किया और कानून के दायरे में रहकर उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। एकदम्बा अल्ट्रासाउंड सेंटर के बारे में सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं गुप्त रूप से, और हमने फिर इसमें गहरी छानबीन करके फिर अपनी एक टीम बनाई और यहाँ पे डकॉय को भेजा, और जो यहाँ पे एजेंट था बीच में साथ में एक लेडी थी उससे कॉन्टेक्ट किया गया, तो उससे पैसे दिए गए 14,000 रुपये, उसको 14,000 रुपये दे के यहाँ पे अपने डकॉय को भेजा और उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। टीम हमारी साथ में थी तो उससे उस एजेंट से 4,000 रुपये तो रिकवर कर लिए गए, और बाकी हम रिकॉर्ड यहाँ पे देख रहे हैं सारा वो कन्फर्म हो गया। ये सच्चाई उस प्रदेश की है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा दिया जाता है, ये हकीकत उस प्रदेश की है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालत क्या है इसकी वानगी ये तस्वीरें बता रही है। ये लोग गवाह हैं कि अब तो भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों पर भी भरोसा नहीं रह गया। रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो डॉक्टर्स पर अब भरोसा आखिर कैसे करें, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, वे बेरुखी हमेशा मरीजों की तरफ देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाख दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा, आखिर कब ये जमीन पर उतारा जाएगा, आखिर कब तक सिर्फ दावे किए जाएंगे जमीन पर देखा नहीं जाएगा, हकीकत की तरफ देखने की कोशिश नहीं होगी और इस सच्चाई को बदलने की जरूरत कोई समझेगा नहीं। अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री तमाम बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी वजह से अब लोग डरने लगे हैं, अपने आप को गब्बर कहते हैं, लेकिन क्या अब गब्बर का खौफ भी नहीं है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, वो भी कुछ बता नहीं रहा है कि आखिर क्यों लगातार ये सब किया जा रहा है और आखिर क्यों लगातार ये चलता रहा है। इससे पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। करनाल से हमारे साथ कमरजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। कमरजीत आखिर क्या समझा जाए, क्या माना जाए, लगातार बड़ी बातें की जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। पूरे प्रदेश में आप देखिए हालत वाकई में चिंताजनक बनी हुई है। विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन जो कैसे वाकये सामने आ रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं ये पोल खुलती नजर आ रही है। और करनाल में जो मामला सामने आया है, लिंग जांग का मामला सामने आया है जगदम्बा हॉस्पिटल का, वहां पे एक जरूर कामयाबी कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो करनाल और करनाल पुलिस को मिली है, लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो एक सीएम सिटी होने के बावजूद भी कि करनाल में ही ऐसी जो घटना सामने आ रही है तो पूरे प्रदेश में भी ऐसी घटना आम बात होगी। लेकिन अगर देखें तो इस चीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि हमें पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी करनाल में, ऐसे कई
हॉस्पिटल में जहाँ पे लिंग जांग का जांच की जा रही है और इस चीज को लेकर एक टीम बनाई गई थी और टीम के साथ ही और एक जो लेडी को भेजा गया था और दलाल को काबू किया गया है। जी वाकई में चिंताजनक है अमरजीत। हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया भी फोन लाइन पर है। राजेंद्र आखिर क्या समझा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं फरीदाबाद में भी कुछ ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीके अस्पताल की बात करें तो वो भी लगातार गलत रीजंस के लिए सुर्खियों में अक्सर रहता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सामने आ रही इन परेशानियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा है? आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग बेबस नजर आ रहा है? राजेंद्र आवाज मिल रही है? सवाल सुना आपने राजेंद्र जी, एक बार दोबारा से बताएंगे आखिर क्यों लगातार फरीदाबाद से ये मामले सामने आ रहे? बीके अस्पताल की बात करें तो लगातार गलत चीजों के लिए वो सुर्खियों में रहता है, स्वास्थ्य विभाग नकेल कसने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहा? देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पर डॉक्टर और कर्मचारियों की है। लगभग 55 डॉक्टर यहाँ पर चाहिए जबकि 32 कुल है, और इसके अलावा जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी है 45 के करीब उनकी संख्या होनी चाहिए और कुल 16 यहाँ पर मौजूद है, जबकि बहुत ज्यादा कम संख्या है यहाँ पर कर्मचारियों की, जिसकी वजह से जो डॉक्टरों पे भी दबाव है और जो कर्मचारी हैं उन पे भी दबाव है। जब तक यहाँ पर डॉक्टरों की स्थायी भर्ती नहीं की जाएगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चलिए कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। विनोद, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का हाल भी ऐसा ही है, वहां पर भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही, सवरने का नाम नहीं ले रही। आखिर वहां पर किस तरीके की परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग उन परेशानियों को ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है या फिर बातें की जा रही है बस? जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कुरुक्षेत्र में कई बार यहाँ के LNJP हॉस्पिटल में भी छापे मार चुके हैं और यहाँ तक कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर भी छापे मार चुके हैं, परंतु स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर इतने भारी संख्या में जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या के मामले आ रहे हैं और यहाँ तक की भ्रूण जांच की जा रही है वह भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो ये क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र के डॉक्टरों द्वारा ही ये मामले प्रकाश में आते थे, परंतु उसके बाद जिस तरह से पंजाब या पड़ोसी राज्यों से लोग आने लगे ये बड़ा खुलासा हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी डॉक्टरों की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल निशान, सरकारी डॉक्टरों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये हाल पूरे प्रदेश का। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर स्थिति समझाने के लिए, बताने के लिए कि आखिर परेशानी लगातार कैसे बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री तमाम परेशानियों को दूर करने में असफल साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर रोहतक से, स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग की गई है, पंचायत चुनाव के दौरान भालोट गांव का ये पूरा मामला है जहां पे स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग की जाती है। बालोट में मतदान रुक गया है और आपको बता दें कि रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश से कहीं फायरिंग की खबर आ रही है, कहीं मतभेद, कहीं झगड़ा और कहीं मुठभेड़ दो पक्षों में यहां पर देखने को मिल रही है। और वैसा ही कुछ रोहतक में देखने को मिला पंचायत चुनाव के दौरान। भालोट गांव है ये रोहतक का, जहां पर हवाई फायरिंग स्कूल के बाहर की गई, जहां पर मतदान केंद्र था, जहां पर लोग पहुंच रहे थे वोटिंग करने के लिए, और उसी केंद्र में, उसी मतदान केंद्र में हवाई फायरिंग की जाती, उसके बिल्कुल बाहर हवाई फायरिंग की जाती, जिसके बाद लोग भी अफरा तफरी में दिखाई दे रही हैं, लोगों में भी एक दहशत इसको लेकर जरूर बनी हुई है। हर्षवर्धन फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, या आखिर वहां पर अगर रोहतक के भालोट गांव की बात करें, वहां पर हवाई फायरिंग आखिर किसने की, क्या पुलिस की तरफ से वहां पर भी इंतजाम पुख्ता तरीके से नहीं किए गए हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव था और पहले से ही पुलिस को ये बार बार पुलिस कह रही थी कि कुछ गांवों को जो है संवेदनशील घोषित किया हुआ है, उसमें भालोट भी संवेदनशील गांव था और जैसे ही पोलिंग शुरू हुई थी उसके थोड़ी देर के बाद ही दो तीन युवकों ने जो है हवा में फायर किए और उससे वहां दहशत का माहौल बन गया। जैसे दूसरी के तुरंत बाद जो है मतदान को रोक दिया गया था, हालांकि पुलिस के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो वहां मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रोहतक से भारी पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया ताकि मतदान जो है शांतिपूर्वक हो सके। फिलहाल किसी के कोई भी हाथाहाथ होने का कोई
समाचार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मतदान को रोक दिया गया था और ये कहा गया था पुलिस की तरफ से कि हम आगे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां पंचायत चुनावों को लेकर लगातार जारी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें जो कि वाकई में बदहाल है और चिंताजनक है, जरूरत है मंथन करने की उस पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, ब्रेक के उस पार भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीरों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोनधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਲ। 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 ਅਵਲ ਐਕਸੈਲ। ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਬੜਾਏ ਖਾਣੇ ਮੇਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है, हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्त जन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल, एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाएं। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए। सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद।
इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बार शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वास्थ्य सेवाएं आखिर बेहतर कब हो पाएंगी? सरकारी अस्पताल में आप जाइए, हाल देखिए वहां का, और वो हाल देखने के बाद आप भी सोचेंगे क्या यही इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं, क्या इस सबसे तमाम जो मरीज हैं उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्योंकि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स इतने मशगूल हैं अपनी मस्ती में कि इलाज करने की उनके पास फुर्सत नहीं है। और ऐसी भी अस्पताल हैं जहां पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बिल्डिंग भी है, इक्विपमेंट्स भी है, मगर काम करने का किसी का मन नहीं है। ऐसी भी जगहें हैं जहां पर डॉक्टर्स बैठे तो हैं लेकिन वो इलाज करते नहीं हैं, बल्कि फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनको लगा देते हैं मरीजों का इलाज करने के लिए। उनकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ये लगातार हम देख रहे हैं। तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ सीएमओ कुरुक्षेत्र एस के नैन साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नैन साहब, आखिर क्यों कुरुक्षेत्र में हम देखिए अल्ट्रासाउंड की वारदातें जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, ऐसे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स बने हुए हैं, आखिर इन सब पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? अभी जो कल केस पकड़ा है हाँ। वो कोई रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट का नहीं है और कोई रिसर्च सेंटर नहीं है हाँ। ये आठवीं पास एक लड़का ये लोगों को कंप्यूटर से दिखा करके बेवकूफ बनाता था हाँ। और माउस कपड़े में क्लिक करके लड़का लड़की अपने दिमाग से बता दिया करता था हाँ। जबकि उसका कंप्यूटर भी नहीं चलता हाँ। तो ये कुलदीप नाम लड़का जिसको गिरफ्तार किया गया, बोटा सिंह के फादर का नाम है, और उसके साथ सीमा हरनेक मेवाराम जसबीर और महावीर जो सेंटर का मालिक है ये सभी रजिस्टर्ड किए गए हैं। जो लोगों को बुला फसला के लेके आते थे कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इनके पास से पैसे और मशीन बरामद कर ली है और 420 और 120 बी के अंदर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ सीएमओ करनाल एसएल वर्मा साहब भी फोन लाइन पर हैं। वर्मा जी, ऐसा क्यों लगातार हो रहा है? हम देख रहे हैं कि तमाम बातें इसको लेकर बोली जा रही, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, लेकिन करनाल में भी ऐसा ही हाल है। आखिर विभाग की तरफ से लापरवाही ये बरती जा रही है या कहां कहां चूक माने? नहीं, विभाग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं जी, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसा जो वहाँ पे मरीज होते हैं वो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि अस्पताल में हम जाते तो हमें इलाज मिलता नहीं है, डॉक्टर्स की बेरुखी देखने को मिलती है। दंबा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या इलाज के लिए बात कर रहे हैं? दोनों ही मामलों को लेकर बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो स्वास्थ्य की हालत इस वक्त बनी हुई है, इस विभाग की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी, तो ये ऐसा है ना कि हम किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी सेवाएं देता है। एक कुछ जो प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जैसे हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, पूरे करनाल जिले में जो ना 60% से भी ज्यादा डॉक्टर नहीं है जितने होने चाहिए। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया आपका एस एल वर्मा जी हमसे बात करने के। तो अपनी मजबूरी शायद यहाँ पे बताने की कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन तमाम मामले सामने आ रहे हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा हो।
और पंचायत चुनाव से संबंधित एक बड़ी खबर इस वक्त लोहारू से। आपको बता दें कि बाड़ला खंड के गांव की अगर बात करें तो वहां पे कुछ शरारती तत्वों ने ईवीएम मशीन को तोड़ दिया है। पुलिस बल हालांकि वहां पर तैनात है, लेकिन लगातार स्थिति जो है वो हाथ से बाहर जाती दिखाई दे रही है। गांव में मतदान रुक गया है, लोहारू का एक गांव जहां पर मतदान रुक गया है। कुछ शरारती तत्व ऐसे थे जिन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की। महासिंह हमारे साथ संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महासिंह, वो कौन युवक है, शख्स है जिन्होंने ईवीएम के साथ छेड़खानी की, और अभी क्या मतदान रुका हुआ है, कब से फिर से शुरू होगा, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, प्रथम चरण के अंदर बाड़ा खंड के अंदर पंचायत और जिला परिषद और बीजेपी के चुनाव जारी है, लेकिन कारी मोद गांव का मामला प्रकाश में आया है, जिसके अंदर ईवीएम तोड़ने का मामला प्रकाश में आया और मतदान रुक गया है और पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा और गाँव में ईवीएम में खादी की वजह से मतदान रुका है, जैसे हंसावास खुर्द है और अड़ोदी गाँव में भी ईवीएम में खादी है, उसको ठीक करने में लगे हैं अधिकारी, और जगराम बास का मतदान रुका था कुछ देर के लिए, वहाँ ईवीएम ठीक कर दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महा सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदेश में अगर बात करें तो पंचायत चुनावों से संबंधित तमाम मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर ईवीएम मशीन में खराबी है तो कहीं पर झड़प और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त बहादुरगढ़ का रुख, एक बड़ी खबर इस वक्त बहादुरगढ़ से अपने दर्शकों को बता दें, जहां कसार गांव में मतदान को लेकर लोगों का हंगामा देखने को मिला, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कसार गांव डीसी और एसपी पहुंच चुके हैं, मौके पर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि लोगों का हंगामा बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण चुनाव रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि चुनाव रद्द करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर किस तरीके से गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, ये आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो वाकई में चरमराई हुई है। जरूरत है तो स्वास्थ्य मंत्री को जरा देखने की और अपने विभाग में बहुत से सुधार लाने की आवश्यकता है, तभी शायद ये तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं इन पर लगाम लग सकेगी। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।